तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लो, यहाँ पे हमारा लिमिट अप्रूव हुआ है 5,000 का। हाँ हालांकि मैं इससे कम भी लोन ले सकता हूँ, 3,000 और 5,000 का ऑप्शन है, दो ऑप्शन है मेरे पास, इन दोनों में से कोई भी लोन मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप लोग लोन टर्म देख सकते हो, अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, नीचे फी एंड डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 5,000 रुपये तक लोन लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीका, जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपका सिविल कितना भी खराब हो आसानी से आप लोग 5,000 रुपये तक लोन ले सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। आपका यहाँ जो है सैलरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो, आपको उस कंडीशन में क्या सिलेक्ट करना है, क्या कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है और क्या प्रोसेस रहने वाला है ए टू जेड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है, जो भी स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो कर लेना है। अब चलिए हम लोग वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अब वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बगल में आपको बेल आइकन भी देखने को मिल रहा होगा, इस पर टैप करके इसको भी आपको ऑल पे सेट कर लेना है। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। अब इतना कर लोगे, इसके बाद सबसे पहले तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आप लोग यहां पे देख सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो आप लोग यहां पे देखोगे, 16.5 का आपको इस एप्लीकेशन में लग जाएगा इंटरेस्ट रेट। और यहां पे लोन टेन्योर आप लोग मैक्सिमम अगर 5,000 रुपये तक लेते हो तो 3 महीने का सिलेक्ट कर पाओगे, और अगर आप लोग 3,000 रुपये लेते हो तब भी आप लोग 3 महीने तक का ही इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे लोन ईएमआई जो आपका बनेगा 1713 रुपये 3 महीने के लिए, और टोटल जो आप लोग इंटरेस्ट पे करोगे 138 रुपये। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा चार्ज और भी देना पड़ेगा। चार्ज आपको देना क्या है, सबसे पहले तो जो आप लोग लोन लोगे उसके लिए आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और वो होने वाला है 78 रुपीज, मतलब 80 के आसपास आपको वहां पे चार्ज लग जाएगा। वो आपके सिविल पे है, ज्यादा खराब है, 2-4 रुपया 5 रुपया इधर उधर हो सकता है। मेरा जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, 78 रुपया मुझे यहाँ पे लगा है। अब चलिए हम लोग जल्दी से एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। तो अब जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करके इसको ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इसको नेक्स्ट कर देना है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर आ जाएगा, इसको भी ओके कर देना है और फिर से इसको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले आपको एक जीमेल डाल देना है, जो भी जीमेल आप लोग फिल करना चाहते हो उसको यहाँ से डाल दोगे। अब यहाँ से आपको वेरीफाई विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करोगे अब आपके जीमेल पे एक ओटीपी आएगा, तो उसको आपको यहां से फिल कर देना है। तो यहां अभी जीमेल वाला ऑप्शन से मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कोई भी जीमेल आपके फ़ोन में जो लॉगिन होगा उसको यहां से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। तो यहां से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहां पे सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ से फिल करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब थोड़ा सा वेट करोगे, आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको एक ओटीपी देखने को मिल जाएगा। अब ओटीपी आपको यहाँ से मैन्युअली फिल कर लेना है, जो भी आपका ओटीपी आया है उसको यहाँ से डालोगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। अब जैसे ही टैप करोगे यहाँ से परमिशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले आपको कैमरा का परमिशन देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन का परमिशन दे देना है, डिवाइस में जो डाटा है उसका परमिशन, फाइनेंशियल एसएमएस डाटा हो गया, इंस्टॉल एप्लीकेशन रिलेटेड परमिशन हो गया, यूजर पर्सन इन्फॉर्मेशन। अब आपको इसको भी टिक कर लेना है, मतलब कि सारा आप लोग एक्सेप्ट करोगे, ग्रांट परमिशन करोगे। अब जैसे ही ग्रांट परमिशन करोगे अब आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ वीडियो और फोटो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देना होगा, मतलब परमिशन देना होगा, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा, केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा मिल जाएगा, इसको डाल देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप लोग आधार का डिटेल वहाँ पे डाल लोगे, नेक्स्ट कर दोगे, उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि मैंने यहाँ पे देख रहे हो डाल दिया है। उसके बाद आपको फुल नेम डालना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे है।
फादर्स नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा, उसके बाद अल्टरनेट नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको एक जीमेल, जो आपने जीमेल सिलेक्ट किया है वही आ जाएगा, या फिर आप लोग चाहो तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब नीचे देखोगे तो आपका मेल फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। हाँ, आपसे एक अल्टरनेट नंबर मांगा जाएगा तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसको डालना। अब यहाँ पे आपका जीमेल तो हो ही गया, साथ ही डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल फीमेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, वो आप लोग कर लोगे। यहाँ से मेल हो गया, मेल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंगल, यहाँ जो मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं सिंगल हूँ, मैंने सिंगल ही सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे कर देंगे टैप। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ से कंपनी नेम मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना चैनल का डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, और यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ऑनर ही डाल दे रहा हूँ। अब देखो 5,000 3,000 ये सब लोन लोगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इन सब का टेंशन आपको नहीं लेना है। अब यहाँ कंपनी जीमेल पूछा जाएगा, ईमेल हो गया कंपनी का, तो अपना ही आपको डाल देना है, और जो एड्रेस है सेम आप लोग डाल सकते हो। अब तो आपको ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, ये सब डाल देना है। नीचे का जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले स्टेट हो गया तो यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी हमसे मांगा जाएगा तो सिटी हमें फिल कर देना होगा, जो भी आपका है वो यहाँ से सिटी फिल कर दोगे। अब पिन कोड आपसे मांगा जाएगा तो आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे देखोगे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट आपको दोबारा से डाल देना है, सिटी पूछा जाएगा सिटी आपको फिर से यहाँ पे, जो भी आपका सिटी है, सॉरी चलो मैं इसको सही कर ले रहा हूँ, मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया था, तो जो मेरा है मैं उसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सैलरी देखो पूछा जाएगा, सैलरी आपको यहाँ पे 30,000 डाल देना है। अब यहाँ से कंटिन्यू करोगे, अब यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारा एरर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी डिटेल आप लोग डालोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कंपनी का जीमेल मांग रहे हैं, चलो मैं अपना ही डाल दे रहा हूँ, आपको भी यहाँ अपना ही डाल देना है। अब यहाँ कंपनी का एड्रेस आप लोग फिल कर देना, जो भी एड्रेस है, तो ये हम लोग यहाँ से डाल देते हैं। देखो बस मैंने यहाँ पे बिहार शरीफ डाला और ये हो चुका है। अब यहाँ से आपको कर लेना होगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक बार और एरर आ गया है, सबसे पहले तो हमारा यहाँ एडुकेशन पूछा गया। अब यहाँ पे देखोगे मोड ऑफ सैलरी, तो इसको आप लोग ऑनलाइन चेक कैश कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर में कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से देखोगे बैंक ट्रांसफर कर लिया, सैलरी डेट तो यह आपको खुद से सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से हम लोग चलो अगस्त को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं। रिवेल्युएट करके अमाउंट आ चुका है, अब गेट लोन वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है टैप। जैसे ही टैप करोगे अब आपको यहाँ पे आधार का पिक्चर अपलोड करना होगा, सबसे पहले आधार का फ्रंट और आधार का बैक। अब इतना कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड करोगे उसके बाद आपको बैंक डिटेल मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड का फोटो मांगा जाएगा, एक सेल्फी आपको अपलोड कर देना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे अदर एप्लीकेशन में करते हो सेम प्रोसेस होने वाला है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई तुमने 5,000 का लोन लेने के लिए बताना था लेकिन तुमने 20,000 का बताया, तो भाई मेरा सिविल यहाँ सही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 20,000 रुपये तक का लोन मिल चुका है। मेरा एक फ्रेंड था उसका मैंने अप्लाई किया था, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ भी दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन कौन सा होने वाला है, तो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, क्रेडफिन करके अपनी एप्लीकेशन है और ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाकर के आप लोग सर्च करो और वहीं से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो।